कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे। किस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता आपको? अब वो मच्छर खा रहा था मुझे, तो मैंने मच्छर से कहा कि खा ले, कोई फर्क नहीं पड़ता। मच्छर? अजी आज ही तो मोहल्ले में मच्छर मारने वाली दवा छिड़की गई, फिर भी मच्छर है। ये अलग किस्म का मच्छर है ना, जो बच गया था, मोटा सा पेटला सा, जिसके बाल खड़े खड़े। मुझे ये मच्छर पहचाना सा क्यों लग रहा है? अरे छटंकी भैया, तुम सोए नहीं अभी तक, क्यों जाग रहे हो? बस मौके के इंतजार में, कुछ होने का। क्या होने का? मच्छर के काटने का। अच्छा, अब पिंटू तुम क्यों जाग रही हो? इंतजार कर रही हूँ कुछ ना होने का। किस बात के? कि अपने आप को मच्छर से ना कटवा लूं। ठीक है ठीक है, चलो सो जाओ, सब लोग सो जाओ। कहीं सच में तो वो किसी और के साथ? हे भगवान, इस उम्र में कौन कलम हुई उन्हें? पर हो सकता है कि किसी को मुफ्त लहंगा देने का झांसा देकर फंसा लिया हो। नहीं नहीं, इलायची के पापा मुफ्त में जान दे सकते हैं, लेकिन लहंगा नहीं। जो भी हो, लुट तो जाऊंगी मैं ही। अरे यार सुनो, मेरे ना बड़े जोर से मन कर रहा है कि जैसे मिल ना हो। हाँ तो चली जाना। देखो पता है, जैसे गन्ने का जूस निकालते हैं, वैसे ही ना तेरे पापा तेरे अंदर का जो ये इश्क है ना, उसका सारा जूस निकाल देंगे। इलू सेल्फी। ये पापा भी ना जबरदस्ती के मुगले आजम बन के बैठे हुए मेरी लव स्टोरी में। यार सच्ची इलू, पिंटू भाभी से गप्पे मारे ना बहुत टाइम हो गया मुझे भी। मेरे अंदर ना इतनी आग लगी हुई है कि इंसान ना भुट्टे सेक ले। ओ भुट्टे वाली आग बचा के रख अपनी। लेकिन इलू, जो ये अभी रायता फैला हुआ उसका क्या करेंगे? इसको कुछ नहीं कर सकते हैं यार। और पता है तेरे जीजा जी ना मेरी आंखों में ना तारे की तरह टिमटिमा रहे हैं अभी। मेरी भी इलू। मेरा मतलब है पिंटू भाभी। यार तेरा तो कम से कम सही है ना, दर्शन तो कर सकती है पिंटू भाभी के, यहाँ तो वो भी चांस नहीं है। मैं ना पानी पी के आती हूँ, है ना? बकवास मत कर, मुझे मत सुना ये सब। और मुझे पता है तू आग सेकने जा रही है अपनी। तू जाने देना इलू। ऐसे कैसे जाने दे, यही तेरी दोस्ती, यही तेरा प्यार है, ऐसे निभाएगी दोस्ती? इलू तू समझ नहीं रही है, मैं ना चेक करने जा रही हूँ कि तेरे मामा जी मेरी मोहब्बत मुझसे छीन तो नहीं रहे। कोई नहीं छीन रहा तेरी मोहब्बत, और जो नाइट्रोजन है ना उससे अपनी इज्जत बचानी आती है, यही रहेगी तू। ठीक है जा, तू जा, तू जा मिला जा। नहीं यार कोई ना, सही है, बचपन से सारे काम इकट्ठे किए हैं, तो इस सिचुएशन में तुझे अकेले तो छोड़ूंगी नहीं मैं। यार तो फिर बताना क्या करें, कुछ तो आइडिया दे, कभी तो दिमाग चला। चल पंचम, पंचम बे। जी सर जी। तुझे पता है मेरे बाबूजी क्या कहते थे? सर जी हमें कैसे पता होगा सर जी, जब आपके भाऊजी जिंदा थे तब हम वहां कहां थे? अरे वही तो बता रहा हूँ, वहां नहीं थे, बात कर रहा है बेकार की। मेरे बाबूजी कहते थे कि कुछ औरतें ना इच्छाधारी नागिन की तरह होती हैं। अच्छा, तो तेरा अपनी सेठानी के बारे में क्या ख्याल है बता? सर जी किसकी साइड लेनी है? तनख्वाह मैं देता हूँ ना तुझे। जी सर जी। तो जिसका नमक खाएगा उसकी नमक हराम ही करने की सोचेगा क्या तू? जी सर जी। मतलब नहीं नहीं सर जी, हमारा मतलब ये है कि हाँ सेठानी जी लगती हैं इच्छाधारी नागिन जैसी, लेकिन भले घर मतलब भले बिल वाली। हाँ वही तो, बहुत जहर है उसके अंदर, बहुत ज्यादा जहर है। जी सेठ जी, आपने कभी देखा है वो जब गुस्से में होती है ना तो उनका पूरा मुंह नीला हो जाता है, नीला, और ना उनकी आंखों में एक अलग सा एक मतलब। तू क्या सच में उसे नागिन बता रहा है? नहीं सेठ जी, वो आपने तो अभी बोला था कि आपका नमक खाया है इसलिए। तो क्या कच्चा नमक मैंने तेरे मुंह में ठूस दिया क्या? नहीं सेठ जी। सब्जी और दाल में भी तो नमक आया होगा तेरे। हाँ सेठ जी। तो कितने बनाई वो सब्जी दाल? सेठ जी सेठानी जी ने।
तो फिर मेरे सामने कह रहा है नागिन की तरह, मेरे सामने बुराई कर रहा है उसकी तू? वैसे बुरा तो बहुत किया उसने मेरे साथ, क्या कहता है तू इसके बारे में बता? अरे कुछ बोल ना, पूछ रहा हूँ तुझसे। सेठ जी, हमें ना बड़ी नींद आ रही है, आपकी आधी बातें हमारे कान से गुजर रही हैं और आधे नहीं। गुड नाइट। ठीक है सो जा तू। जी सेठ जी। सुन। जी सेठ जी। तकिया बांध दे पेट पे, तुझे पता है ना कि अंधेरे में मुझे सोने की आदत ना है, डरता हूँ मैं बहुत। हाँ। चल। ये नीचे से। सेठ जी, हमें ना दरअसल अंदर बड़ी घुटन सी हो रही है, तो हम सोच रहे थे कि अगर हम छत पर जाके सो जाएं तो बड़ा। अरे ठंड लग जाएगी तुझे, बात कर रहा है? वो क्या है ना कि हमारी कश्मीर की पैदाइश है, हमें ठंड नहीं लगती, हम सो जाएंगे, जाएं जाएं जाएं। चल चल जा जा जा। थैंक यू। ओफो। एक काम कर लू, तू सो जा, इसी बहाने जीजा जी आके सपने में हेलो हाय कर जाएंगे ना। हट, सपने वाली हेलो हाय से कुछ नहीं होता है। जब तक जीजा जी को आंखों में आंखें डाल के उनका क्यूट सा फेस ना देख लूँ ना, तब तक लाइफ में मजा नहीं आता है यार, समझ रही है ना तू? तो फिर इलू, हम ना एक काम करते हैं। क्या? हम ना ठंडी ठंडी आहें भरते हैं। लाइफ में टंटे हो रखे हैं, सो जा तू, टिंकू के साथ सो जा, जा सो जा। मुझे बहुत काम है रसोई में। अरे भाई रसोई छोड़ो, अपने पति को देखो। अरे कहाँ खुशबू फैला रही है जसलीन, हैं? मैं क्या मर गया हूँ?
अरे आ जा ना इधर, जल्दी आ जा। पता है तुझसे बात करके ऐसा लगता है जैसे मैं फिर से 21 साल का हो गया हूँ। हाँ पप्पी, अरे फोन पे कैसे दे दूँ। अच्छा चल तेरे लिए हाय मम्मी संभालो भाई संभालो, होता है ना, क्या कर सकते हैं। मेरे साथ तो इनके मुंह से जलते हुए अंगारे निकलते हैं और अब देखो यार रसगुल्ले टपका रहे हैं फोन पे। मम्मी यार पापा भी क्या करें, आप तो इतने भाव खा रही हो, अब अभी भी मौका आया, अपनी चलती हुई गृहस्थी को बचा लो। मैं क्यों माफी मांगू, जिसने गलती की है वही माफी मांगे, जब नहीं कुछ ना पड़ा है तो मैं नहीं माफी मांगूंगी। अरे तू तो बहुत जल्दी आ गई जसलीन। लोकी मैंने जसलीन कहंदे ने पर मेरे अपने पता मैंने की कहंदे ने, जैस। की कहंदे ने, जैस। की कहंदे ने, जैस। चढ़ तेर तो नहीं होना, मैं तो बस बाजार च टहल रही थी ता तू मैनू आवाज मारी ता मैं भज्जी चली आई, दस की होया कंजरा। आहा, तुझे पता है जैस, आज ना मैं अपनी किस्मत पे दुहाई दे रहा हूँ अपने आप को। पता है क्यों? की होया? पूरी जिंदगी तो कांटों में कट गई, आज पहली बार फूल हाथ लगाए। हट मोया। अच्छा सुन, मैंने तेरे लिए ना चांदी के वर्क वाला एक बढ़िया सा लहंगा तैयार करवाया है, मैं सोच रहा हूँ कि ट्राई कर लूँ तुझ पे। तू ही ट्राई करा दे कंजरा। हाँ हाँ तो मैं ही ट्राई करवाऊंगा जैज। जा। आ जा फिर। आ। ए, चल खड़ी हो जा। ले कंजरा। हाय 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 हाय, पहली बार ऐसी कमर जो है इतने नजदीक से देख रहा हूँ जो एक ही हाथ में लपेटे में आ जाए। कंजरा की करी जाता है, किसी ने देख लेना है। अरे हाँ ये भी सही कह रही है तू। अच्छा काम करते हैं, आज शाम को ना प्लाजा थिएटर की कोने वाली सीट ले लेता हूँ, वहीं पे मिलते हैं। कड़ी फिल्म देखनी है कंजरा? अरे फिल्म कौन देखेगा, मैं तुझे देखूंगा, तू मुझे देखियो। तू तो बड़े बट्टे वाला कंजरा कंजरा। पता है जैस, जब तू मुझे कंजरा कहती है ना तो मुझे कुछ होने लगता है। हाँ? एक बार बोलना। ता हुन ता नहीं बोलना मैं। बोल दे। ना हुन नहीं मैं बोलना। आ तू भी ना। अमटीज। ओहो नखरे दिखा रही है तू मुझे। अमटीज। नखरे मत दिखा। अमटीज। मतलब मेनू तड़पान च मजा आउंदा या। तू प्यार ना करती मुझसे? बोल दे, आज तो बोल ही दे। बोल ना। पहले तू बोल। क्या? जैस। जैस। कंजरा। अरे कुछ हो रहा है। चल हुण मैं चल दिया, शामी मिली मेनू फिर। हाँ। हाँ? वहीं पे। लोकी मेनू जैसलीन कहंदे ने, पर मेरे अपने मेनू की कहंदे ने? जैस। Jazz. अरे आंटी जी नमस्ते, क्या हो रही है? नमस्ते मंगी भैया, कैसे आए? जी मैं चल के आ रही हूँ, चांदनी चौक में कोई हवाई जहाज से तो नहीं आ सकता ना है? मेरा मतलब है कि यहाँ कैसे आना हुआ? अरे हाँ आंटी जी, वो क्या है ना कि दरोगा साहब जो है ना कुछ दिन के लिए बाहर जा रहे हैं, वो बोले कि आपसे कद्दू के हलवा बनाने की रेसिपी ले लूं।
उनको हलवा बहुत पसंद है ना, आपको तो पता है। अरे नहीं नहीं आंटी जी, कोई बात नहीं, अगर आपको याद नहीं है तो मैं अपनी तरफ से कुछ बोल दूंगा, आप बिल्कुल चिंता ना करें, आप शांत हो जाइए। ऐसी कोई बात नहीं है मंगी भैया, दरअसल कद्दू का हलवा इलायची के पापा को भी बहुत पसंद है। अरे ये तो अच्छी बात है फिर। लेकिन इस वक्त मेरा दिल कर रहा है कि मैं उसी हलवे में जहर मिला के इलायची के पापा को खिला दूं। अच्छा ये तो बताइए सेठ जी ने क्या कर दिया, क्या बात हो गई? मंगी भैया, इलायची के पापा का किसी और औरत के साथ चक्कर चल रहा है, मेरे तो भाग ही फूट गए। सेठ जी का चक्कर? बताओ ऐसे आदमियों का भी चक्कर चलता है, कौन है वो बेचारी? वो कोई बेचारे बेचारे नहीं है, है कोई कलमुई। अरे इलायची के पापा और मेरे बीच एक छोटा सा झगड़ा क्या हुआ, इलायची के पापा ने दूसरी औरत के साथ चक्कर चला लिया, मेरा तो दिल कर रहा है मैं कहीं जाके मर जाऊं, मेरे तो भाग ही फूट गए। अरे ऐसे कैसे मरेंगे आप, मैं हूं ना, मैं कब काम आऊंगा? लेकिन आप क्यों मरोगे? नहीं आंटी जी, मैं क्यों मरूं, कोई नहीं मरेगा, जिसने गलती की है सजा उनको मिले, आपको क्यों मिले? और आंटी जी, दरोगा जी ने अभी कुछ दिन के लिए बाहर जा रहे हैं, तो यूं समझ लो कि मैं भी यहाँ नहीं हूँ। क्या मतलब, मैं कुछ समझी नहीं। आंटी जी आप भी ना एक नंबर के बॉटम हैं। आंटी जी मैं तो आपकी गृहस्थी बचाने का आइडिया दे रहा था। वो क्या है ना, आप उस लड़की को पकड़ के सूट दो, घसीट घसीट के मारो। मैं ऐसे कैसे सूट दो, और कानून? अरे कानून ने तो आपके हाथ के दही भल्ले खाए हैं, इतना हक तो बनता है। आंटी जी आप निश्चिंत रहिए और उस लड़की को ना सूतने का प्लान बनाइए, बाकी हम हैं। अब ना उस लड़की के भाग मैं फोड़ूंगी। जरूर आंटी जी कहीं ना कहीं से देख रही होंगी, और नाटक करता हूं। अच्छा ये कलमुई। लोकी मैंने जैसलीन बोल देने, पर पता है मेरे अपने मैंने की बोल देने? जैस। हां जी कंजरा किथे रह गए हो? हां तिनी देर दी मैं तोड़ा वेट कर दी पाईया, किथे रह गया तू? हाँ चल ठीक है छेती आ जा फिर, ओके बाय। मुआ मुआ ओ वाला मुआ नहीं, किसी वाला मुआ, चल बाय। देख कितनी बेशरम है ये। हाँ रे और कितनी जवान भी। गुलाब देखना लाश्रम सब बेच खाई है कल मुही। हाँ नहीं तो एक काम कर, इधर गुलाकंद बना के ना अपने मुंह च पाला, दफा हो जाए इथों भज्जे सड़िया। मैं मेरा चाचा पता कौन है, दफा हो जा मोटा जया। पता नहीं सेठ जी कहाँ अटक गए, ऊपर से इन कपड़ों में इतनी गर्मी लग रही है। मेरे मुरु को अपना बनाने चलिए ना, अभी बताती हूँ मैं इस बेशरम को। चल अच्छे से इसको बचाते हैं, चल बचा देते हैं। बस ठोक दिया, ठोक दिया। लोकी मैनू जैस्मीन कहते ने, पर पता मेरे अपने मैनू की कहते ने? जैस।
For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.